भैया स्वागत है सभी बालक बालिका और लौंडे लौंडियाओं का आज की इस खासम खास वीडियो में। तो भाई आज तुम्हारा भाई लेकर आ गया एकदम खासम खास टॉपिक। खासम खास टॉपिक क्या है भाई? बंदों ने ना लठ दे रखा था क्या भाई, छोटे टाउन हॉल के ऊपर वीडियो बनाओ, छोटे टाउन हॉल के ऊपर बनाओ। भाई जब देखो आप मुंह उठा के आ जाते हो, टाउन हॉल 13 के टैक्स आके दिखा देते हो। भाई टाउन हॉल 9, 10, 11, 12 कहाँ गए? तो आज भाई तुम्हारी इस खासम खास डिमांड के ऊपर तुम्हारे भाई ने वापस से छोटे टाउन हॉल के ऊपर भाई वीडियो बना ही दिया, मतलब कि शुरुआत कर दी हमने टाउन हॉल 9 के ऊपर। आज मैं आपके ऊपर आपके लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, और कोई हल्की फुल्की वीडियो नहीं है, 3 स्टार अटैक्स की वीडियो नहीं है। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे भाई लेजेंडरी लोंडो के लेजेंडरी अटैक्स, ठीक है। लेजेंडरी क्यों भाई? क्योंकि टाउन हॉल 9 से लेजेंड सही बंदे गए हुए हैं या फिर भाई अभी भी लेजेंड हैं, ठीक है। तो इन लोगों को काफ़ी आइडिया है कि कैसे आप टाउन हॉल 9 से पुशिंग करके टाउन हॉल 10 पे अटैक कर सकते हो, 11 पे, 12 पे, 13 पे। भाई सारे ही तो बेसिस पे ना अटैक करना आता है। और लोंडो ने भाई कति ठान रखी है कि टाउन हॉल 9 से भाई टाउन हॉल 10 करना ही नहीं है, टाउन हॉल को अपग्रेड ही नहीं करना, टाउन हॉल 9 पे जिंदगी बिता देंगे। तो इनके डेडिकेशन को देख के तुम्हारे भाई ने इसकी इन्होंने से बात करी और बोला कि भाई चलो तुमको तुम्हारे ऊपर भाई एक बढ़िया सी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। छोटे टाउन हॉल के लिए पे भाई मैं वीडियो बनाने की सोच भी रहा था, पहले मैं सोच रहा था खुद अटैक करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। इन फ्यूचर मैं करूंगा भी टाउन हॉल 9 पे भी, 10 पे भी, 11 पे, 12 पे खुद अटैक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पर मैंने सोचा कि यार चलो ये एक अच्छा टॉपिक है कि कोई भी बंदा अगर टाउन हॉल 9 से भाई पुशिंग करना चाहता है और चाहता है कि यार मैं लेजेंड तक पुश करूं या ठीक ठाक पुशिंग करूं टाउन हॉल 9 से, तो किस किस स्ट्रेटेजी से मैं भाई पुशिंग कर सकता हूं या अच्छे बेसिस के ऊपर अटैक कर सकता हूं। तो इसी पर्पज से भाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आया टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 9 पे कैसे अटैक करना है, 10 पे कैसे करना है, 11, 12, 13 सारे ही अटैक आपको दिखाएंगे भाई सीरियल वाइज। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं भाई टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 9 के, टाउन हॉल 9 के आते अगर टाउन हॉल 9 चढ़ जाए तो आपको कैसे अटैक करना है। अब इस अटैक को देख लो भाई, आर्मी देख लो बंदे की, 4 रेज, 1 फ्रीज, 1 पॉइजन और भाई 14 क्या कहते हैं ये 13 या 14 जो है ये है बेबी ड्रैगन, क्वीन चार्ज विद बेबी ड्रैगन, जोरदार अटैक है भाई। और सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है ये पुशर्स की जो टाउन हॉल 9 से भाई पुशिंग करते हैं, इस स्ट्रैटेजी का वो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, या फिर वो यूज करते हैं जो दूसरी स्ट्रैटेजी है भाई उनकी, वो होती है कि जैप के साथ आपके बेबी ड्रैगन, मतलब कि लाइटनिंग का यूज करेंगे और बेबी ड्रैगन्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें भाई बेसिकली मेन टारगेट ये क्या कर रहा है, मेन टारगेट सबसे पहले भाई क्वीन से क्वीन को टारगेट किया गया कि अपोनेंट की क्वीन को भाई सबसे पहले मार दिया जाए और उसके बाद हमारी इनकी जो भाई इसकी क्वीन है वो कितने ज्यादा एयर डिफेंस को ले जा सकते हैं। क्योंकि देखो बेबी ड्रैगन को खतरा पहुंचाने वाली चीज दो ही चीज होती है, एक तो भाई मेनली एयर डिफेंस, दूसरी चीज है आपका एयर एक्सबो। तो सबसे पहला टारगेट इसमें यही होता है, साइड से भाई जितना ज्यादा ट्रैश क्लियर कर सकते हो उतना ज्यादा ट्रैश क्लियर कर लो, उसके बाद की भाई जितनी भी कार्रवाई रह जाएगी वो सारी कार्रवाई आपकी भाई पूरी करेगी क्वीन। क्वीन क्वीन से भाई इसमें बस कुछ ना करना, क्वीन चार्ज ऐसी चलती रहेगी बस पूरे बेस के ऊपर ना, चारों तरफ बावड़ी पूंछ की तरह भाई क्वीन घूमती रहेगी। आपके पास सिर्फ टाइम का इशू होता है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, वरना इसमें भाई क्वीन आपकी मरती ही नहीं है, मतलब मरती इन लोगों की नहीं है। आप लोग भाई अगर गलत अटैक करोगे तो क्वीन मर भी सकती है, पर अगर आपको अपनी क्वीन को सही तरीके से टारगेट करना आता है, सही तरीके से यूज करना आता है, तो भाई क्वीन आपके आखिर तक मरेगी नहीं। और एक रेज और भाई सीसी के अंदर इलेक्ट्रो ये यूज करते हैं, जिसका इस्तेमाल भाई ये टाउन हॉल को मोस्ट ऑफ द टाइम टाउन हॉल उड़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि टाउन हॉल 12 और 11 मतलब जो 12 होता है उसको उड़ाना भाई मुश्किल होता है क्वीन से, इसलिए क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम टाउन हॉल 12 अगर देखो बाहर की तरफ टाउन हॉल रखा, मान लो 12 में कहते हैं गीगा टैसल भी होता है या फिर छोटा है तो भाई वो डैमेज भी देता है, तो अगर बाहर बार कहीं पर टाउन हॉल मिल जाए तो एक फ्रिज डालो, रेज डालो और भाई उससे क्या करो सीसी से फोड़ दो टाउन हॉल को, ठीक है जी। तो ये तो हो गया टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 9। अब आपको दिखाते हैं टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 10। भाई अब देखो हल्के फुल्के अटैक नहीं है, अटैक है जोरदार जानदार जबरदस्त। अब भाई ये वाला अटैक देखो टाउन हॉल 9 से टाउन हॉल 10 के ऊपर ऑलमोस्ट क्या भाई मेरे को तो लग रहा है पूरा ही मैक्स है, ये कोई दिक्कत सी तो लग नहीं रही, शायद एक इन्फर्नो कम है इसका या एक इन्फर्नो होता है, टाउन हॉल 2 है भाई, दोनों पूरे इन्फर्नो है, फुल्ली मैक्स टाउन हॉल है भाई। अब देखो यहाँ से सबसे पहले भाई बाहर का ना ट्रैश क्लियर करना चालू करा, इसमें क्या है गोलम बेबी और पैका आपके, ठीक है 3 रेज 2 फ्रीज और 1 अर्थक्वेक 1 पॉइजन। सबसे पहले भैया बेबी ड्रैगन्स को कुर्बान कर दिया गया, काफी सारे बेबी ड्रैगन्स को कुर्बान कर दिया गया बाहर से परसेंटेज लेने में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा परसेंटेज ले सकते हो ना बेबी ड्रैगन से बाहर बाहर से भाई परसेंटेज ले लो, ताकि आप बचे हुए चीज में क्या करना आपको सिर्फ टाउन हॉल उड़ाना रह जाएगा, उसके बाद आपके पैका और आपके किंग क्वीन और इनको हीरोज को आप भाई सीसी के टाउन हॉल के लिए गाइड कर दो तो आपको दूसरा स्टार आसानी से मिल सकता है, मतलब कि इस अटैक को करने का भाई तरीका ये है।
अब यहां से भाई देखो इसने फनल भी क्रिएट कर ली, बाहर से देखो परसेंटेज भी आ गई अच्छी खासी 30-35%, और फनल भी क्रिएट कर ली। और सीसी में जो भाई आपका ये इलेक्ट्रो है इसकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि भाई ये देता है चेन डैमेज। अब देखो एक इलेक्ट्रो ने कितनी ज्यादा भाई इसको वैल्यू निकाल के दे दी, देख रहे हो आप, एक ही इलेक्ट्रो भाई पूरे बेस पे घूमे जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि टाउन हॉल उड़ा देगा भाई, इसको ना यूज करनी पड़ा आर्मी भी। लो भैया 52% उड़ा दिया, पैक का बचा हुआ है, क्वीन बची हुई है, और भाई आपका क्या क्या बचा हुआ, गोलम भी बचा हुआ है, एक बेबी भी बचा हुआ है, चार भाई विजार्ड भी बचे हुए हैं, मतलब कि 54% भाई सिर्फ अपना क्या कहते हैं ये छोड़ छोड़ के, बेबी ड्रैगन छोड़ छोड़ के ना कार्रवाई बिठा दी भाई, बेस की गति बिठा दी। तो बहुत ही बढ़िया शानदार जोरदार अटैक था ये भी। अब चलते हैं अगले अटैक की तरफ, और बहुत ही जल्दी भाई मैं टाउन हॉल 11 के ऊपर और 12 के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, हर चीज को भाई कवर किया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, घबराए मत करो यार, तुम घबरा जाते हो, उल्टे ऐसे मैसेज करने लग जाते हो कि भाई तुम तो हमारे साथ धोखा कर रहे हो, टाउन हॉल 13-13 दिखाते हो, भाई सब कुछ दिखाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब ये वाला अटैक देखो, टाउन हॉल 11 भाई मैक्स है ये, बिल्कुल काफी हद तक मैक्स है, बिल्कुल नहीं तो भाई ऑलमोस्ट मैक्स है, कुछ दीवारें इसकी रह रही है, बाकी सारा डिफेंस तो भाई इसका मैक्स ही लग रहा है। अब क्वीन चार्ज स्टार्ट करिए भाई टाउन हॉल की तरफ से, ऑब्वियसली बात है एक बार टाउन हॉल ले लिया यानी कि आपने 1 स्टार सिक्योर कर लिया, ठीक है। गोल्ड वर्क भाई साहब है, ये WWE के फैन लगते हैं बहुत जोरदार वाले, बटिस्टा का फैन नहीं लग रहा है भाई, गोल्ड वर्क का फैन है ये, गोल्ड वर्क ने संन्यास ले लिया शायद अभी, WWE में कमी देखने को मिलता है, और भाई हम तो देखते भी ना क्योंकि इतनी कैडी कॉमेडी कर देते हैं कई बार भाई, वो WWE के अंदर ऐसा लगता है फाइट कम चल रही है कॉमेडी ज्यादा चल रही है, तो अभी देखना बंद कर दिया। अब देखो भाई इसमें जंप भी लेकर आया हुआ था ये, विच इज अ वेरी गुड थिंग, कई बार क्या होता है आपके जो वॉल ब्रेकर होते हैं धोखा दे जाते हैं, पर जो आपकी जंप होते हैं ना भाई ये आपको कभी धोखा नहीं देती, हमेशा आपको मार्केट के अंदर घुसा देती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज भाई, अभी भाई मैंने सुबह वीडियो डाली थी और उसके ऊपर भाई बहुत प्यार मिला आप लोगों का, जो वर्ल्ड रैंक 1 हमने भाई क्लैन बनाया था, और बहुत ही जल्दी भाई हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए, उसके लिए भाई तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है, ऐसे ही आप भाई सपोर्ट बनाए रखो, तुम्हारा भाई मार्केट में दुम उठाए रखेगा, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल ही भाई, जोरदार लहर लो जीवन की, एक ही जीवन है, हंसी खुशी से गुजारो भाई इसको, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, देख लेंगे सबको, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 21% भाई सिर्फ क्वीन चार से ले लिया गया, और एक दो बेबी ड्रैगन से, उसके बाद देखो क्वीन के मरने का इंतजार कर रहा है मुझे लग रहा है ये लड़का, कि इसकी कब क्वीन मरे, भाई क्वीन क्यों मारना चाहता है, बेबी ड्रैगन उतार के फनल वनल बना के, और भाई धीरे धीरे परसेंटेज लेना चालू कर, सेम काम चालू कर दिया इसने क्वीन मरवाने के बाद, और भाई वो भी मर गई, इसकी क्या कहते हैं हीलर्स भी, हीलर्स की जरूरत भी ना, हील किसको करेगा जब भाई आर्मी तेरी एयर की है। अब यहां से भाई आगे की कार्रवाई रहेगी, क्या कार्रवाई रहेगी, आगे की कार्रवाई रहेगी कि इससे कैसे बचा जाएगा भाई, जो ये ईगल आर्टिलरी है ये टारगेट कर रही है भाई सारे के सारे उसको, तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है भैया, सबसे पहले अपना इलेक्ट्रो उतार दो जहां पे आपको चेन डैमेज मिल जाए। अब यहाँ पे इसको भाई देखो चेन डैमेज मिल गया इलेक्ट्रो का, यानी कि इलेक्ट्रो आपको क्या 50% तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, की ट्रूप है भाई ये टाउन हॉल 9 का की ट्रूप, सीसी में फ्रिज लेनी है और आपको लेना इलेक्ट्रो, आपको भाई बहुत ज्यादा बढ़िया वैल्यू निकालने का दम रखता है अकेला इलेक्ट्रो, 20-25% तो भाई अकेला कई बार कई बेसिस पे सिर्फ इलेक्ट्रो निकाल देगा, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है भाई ये हो गया टाउन हॉल 11 पे, अब मैं आपको एक अटैक दिखाता हूँ टाउन हॉल 12 पे, ये तो यहाँ पे मैं आपको वॉर में दिखाता हूँ, मैंने वॉर में देखा था शायद टाउन हॉल 12। अब देखो भाई इनकी क्लैन वॉर लीग भी चालू है, क्लैन वॉर लीग में देखो इनका भाई सारे के सारे ही जो खुद है, ये देखो ये मत देखना क्या पिट रहे हैं भाई, पूरा क्लैन सिर्फ टाउन हॉल 9 का ये लोंडो का, ये टाउन हॉल 11, 12, 10 कुछ रखते ही नहीं है, पूरा क्लैन टाउन हॉल 9 से भरा हुआ है, और भाई इन्होंने भी देखो बढ़िया 3 स्टार मार रखे हैं नीचे, जो इनके भाई मतलब के टाउन हॉल 9 वाले हैं उनके ऊपर, और टाउन हॉल 10 के ऊपर भी भाई 2 स्टार मार रखे हैं, अच्छी खासी परसेंटेज भी करी हुई है कुछ बेसिस के ऊपर, और टाउन हॉल 12 का बंदे ने शेयर करा था वो तो 1 स्टार है, यहाँ पे देखो 2 स्टार क्या हुआ, ये अटैक दिखाते हैं टाउन हॉल 12 रस होगा शायद, ये रस बेस होगा, चलो छोड़ो इसको छोड़ते हैं, 12 वाले दिखाते हैं तो बेस रस लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा बेस देखते हैं, शायद ये वाला जो शेयर किया अच्छा बेस होगा तभी भाई ये 1 स्टार रह गया। हाँ भाई इसका सिर्फ भाई देखो गीगा इन्फर्नो यानी कि मेन टाउन हॉल हल्का है, पर फिर भी भाई टाउन हॉल 9 से आपके ऊपर 3 टाउन हॉल आगे का है, यानी कि अगर भाई हम टाउन हॉल 16 आ जाए और हम टाउन हॉल 13 वाले रह जाए तो टाउन हॉल 16 भाई पता ना क्या क्या चीज उसके अंदर आती है और क्या क्या भाई क्वीन वीन की तोड़ के गर्दन अपने अंदर रख ले, तो टाउन हॉल 13 के अंदर हो सकता है भाई बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा टाउन हॉल 16 कभी आ जाएगा कि 1 स्टार मारना भी, तो सेम काम भाई इनके लिए है। देखो जो टाउन हॉल बड़े टाउन हॉल पे है उनको तो भाई लगेगा इजी, लेकिन आप भाई देखो इनके पास है क्या, लेवल 30 की क्वीन है, लेवल 30 का किंग है, ना वार्डन है, ना भाई रॉयल चैंपियन है, ना कुछ है, ना भाई फ्रीज स्पेल्स भी कम है, स्पेल्स भी इनके भाई 9 होते हैं, ऊपर वाले टाउन हॉल्स के पास 11 होते हैं, साथ ही साथ भाई लेवल भी कम होता है, बेबी ड्रैगन का लेवल देख लो भाई सिर्फ लेवल 2 होता है,
और हर चीज का, अब देखो हर चीज तो भाई इनकी छोटी छोटी होती है, पर भाई वही वाली बात है, छोटा तीर घाव करे गंभीर वाला काम करते हैं ये। लोंडे का नाम है ABR ARS, क्या लिखा है ने? ARSH, सांधु, नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहा भाई। देखो वीडियो बनाते बनाते ना थोड़ा छोटा छोटा दिखता है मेरे को, आप इस चीज को नहीं समझोगे, बनाओगे ना तब समझ में आएगा, क्योंकि भाई मैं फोन में वीडियो बनाता हूँ, कंप्यूटर में नहीं बनाता दादा। अब ये देखो क्वीन चार, देखो इसकी कितनी जोरदार करी है इसने, 27% 28% वैल्यू सिर्फ क्वीन चार से निकाल ली। साथ ही साथ भाई अपोनेंट के सीसी को भी ये टैकल कर ही लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से बेबी ड्रैगन्स के साथ भाई बाकी इसकी फनल नहीं बना रहा है, ये ले रहा है साथ ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज की कोशिश, के किसी तरीके से परसेंटेज आ रहा है। और भाई ये दो स्टार भी इस पर कर ही लेता, पर क्योंकि टाउन हॉल ना सेंटर में था, टाउन हॉल को सेंटर तक पहुंचाने के लिए ना भाई इसके पास इलेक्ट्रो को टाउन हॉल के सेंटर तक कैसे पहुंचाए, कोई जुगाड़ नहीं था इसके पास। अगर जुगाड़ रहा होता बैटल फील्ड पे ऐसी भाई कुछ होती नहीं टाउन हॉल लाइन के पास, टाउन हॉल तक भाई ये बची हुई आर्मी को या इलेक्ट्रो ड्रैगन बचा हुआ है उसको भाई टाउन हॉल तक ये कैसे गाइड करे, गाइड करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो बंदे ने भाई 50% एक स्टार करके अटैक रोक दिया। और इस बंदे को देख लो भाई, ये टाउन हॉल 9 से ना लेजेंड है, इसके लाइन में देखो लेजेंड भरे हुए हैं। सबसे ऊपर तो देखो भाई हमें 5400 ट्रॉफी पे, लेकिन उसके नीचे के देखो जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर 15 नंबर तक भाई लेजेंड है इनके पास, सारे के सारे भाई टाउन हॉल 9 लेजेंड्स हैं। क्लैन का नाम देख लो द इनविंसिबल्स, ये पूरा का पूरा क्लैन भाई टाउन हॉल 9 का क्लैन है, ठीक है। बढ़िया अटैक करते हैं, जोरदार जानदार जबरदस्त। तो टाउन हॉल 12 तक अटैक आपको मैंने दिखा दिए, एक अटैक और दिखाता हूँ, टाउन हॉल 9 अगेंस्ट टाउन हॉल 13। अब ये वाला अटैक देख, ये वाला बेस देखो भाई, टाउन हॉल 13 पे इस तरह के बेसिस काफी पॉपुलर है, लेकिन एक टाउन हॉल 9 वाले बंदे के लिए इसके ऊपर भाई 2 स्टार करना भाई लाखों चने चबाने के बराबर वाली बात है, ये आसान काम नहीं बिल्कुल भी। बंदे का नाम देख लो, ड्रैगन स्लेयर फ्रॉम द इनविंसिबल्स। अब यहां से भाई किंग उतारा, 2 हीलर उतार दी किंग के पीछे, एक तरफ से बेबी ड्रैगन उतारा फनल बनाने के लिए, ताकि जो भाई आपकी बाकी आर्मी है उसको कोर में गाइड किया जा सके। बाकी आर्मी के नाम पे भाई क्या, यानी कि क्वीन को कोर में गाइड करने का इनके प्लान है मेरे हिसाब से। जी हाँ बिल्कुल ठीक, क्वीन चल दिया भाई के किसी तरीके से ना, क्वीन एक बार टाउन ले जाए तो बाकी जो बचे हुए 10 क्या है भाई, ये 10 बेबी ड्रैगन है, इनसे क्या बाकी का ना परसेंटेज ले लिया जाएगा। अब यहां से भाई क्वीन चल पड़ी मार्केट में, माथा मुंह फाड़ के, मुंह फाड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है भाई, सामने का वाले का अपोनेंट का भाई टाउन हॉल भी तोड़ दिया, ठीक है जी टाउन हॉल तोड़ दिया वो भी बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से भाई कुछ नहीं रह गया, यहां से बेबी ड्रैगन उतार के देखो पीछे से पहले ही वो करनी चालू कर दी थी, क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज लेनी चालू कर दी, ठीक है जी। यहां से भाई इलेक्ट्रो उतार दिया, बाकी की परसेंटेज इलेक्ट्रो ले लेगा। और उसके बाद सब सिर्फ भाई बेबी ड्रैगन उतारने आपको ऐसे ऐसी जगह पे जहां से आपको बेबी ड्रैगन बस मरे ना आपके बेबी ड्रैगन, यानी कि एयर डिफेंस से, सिंगल टारगेट इन्फर्नो से, और इस तरह की जो चीजें हैं भाई इनसे बचा रहे। अब देखो भाई कितने आराम से, अभी इसके बेबी ड्रैगन और भी बचे थे, चाहता तो भाई और परसेंटेज ले सकता था, लेकिन बंदे ने अटैक को रोकने का फैसला किया, तो ठीक है आराम से भाई 62 या 63% इसने टाउन हॉल 13 पे ले लिया अगेंस्ट टाउन हॉल 9। खुद टाउन हॉल 9 का बंदा होने के बाद भाई जो टाउन हॉल 13 के ऊपर आप इस तरह से अटैक कर रहे हो, 2 स्टार ले रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात है, आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। और जो भी भाई बंदा इस क्लैन को ज्वाइन करना चाहता है, द इनविंसिबल्स क्लैन है, हमारा इंडिया का क्लैन है भाई, टाउन हॉल 9 के बंदे हैं, वी आर प्राउड ऑन देम भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप टाउन हॉल 9 से भाई इतने कर्मठ रूप से, सुचारू रूप से भाई लगे पड़े हो, अपनी आपकी भी भाई मेहनत को सलाम है देखो, ठीक है बढ़िया ठीक है भाई, जोरदार जबरदस्त क्लैन है टाउन हॉल 9 के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लैन के अंदर अभी भाई लेजेंड पहुंचने में लगे हुए, देखो सारे के सारे टाइटन 1, टाइटन 2 और एक दो बंदे नीचे टाइटन 2 के हैं, बाकी के सारे टाइटन 1 और लेजेंड से टाउन हॉल 9 से, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। और भाई छोटे टाउन हॉल के ऊपर भी एक देखो वीडियो तो मैंने बनाई थी, अब अगली बनाऊंगा टाउन हॉल 10, 11, 12 के ऊपर भी भाई मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, बनाएंगे लेकिन जरूर टेंशन मत लिया करो, मिलेंगे आपसे। और बताना भाई वीडियो कैसे लगी, ठीक है कमेंट करके बता देना दादा कि वीडियो कैसे लगी, बड़ी मेहनत से भाई ढूंढते कंटेंट हम आप लोगों के लिए, और मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें।